दोस्तों, ब्राह्मणों के बाद अब उत्तराखंड की क्षत्रियों के इतिहास को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस गाथा को लेकर दोस्तों, उत्तराखंड की क्षत्रिय वीर जाति जितनी सौम्य, ईमानदार और शांति प्रिय है, उतनी संसार की महान योद्धा भी। इसलिए अंग्रेजों ने इनको मार्शल रेस माना था। आजादी से पहले तथा आजादी के बाद उत्तराखंड के ये वीर हर क्षेत्र में अपनी बहादुरी के झंडे फहराते आ रहे हैं। आपको मालूम है, राज दरबार में पड़े पदों के नाम से पड़े इन राजपूत में रावत, बिष्ट, नेगी, भंडारी आदि उपजातियां प्रमुख हैं। ये नाम राज दरबार में मिले पदों से बने हैं। इसी तरह कहीं जाति संज्ञा नाम गांव के आधार पर भी पड़े हैं। कुछ जातियों के नाम उनके कार्यों के कार्य में पड़े। इनके अलावा कुछ जातियों के नाम उनकी विशेषता पर पड़े। रावत ऐसे वीर योद्धा को कहा जाता था जो राजा की सेना में थे और देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान के रावत भाड़ा क्षेत्र से आए राजपूत बाद में रावत कहलाने लगे। इसी तरह नेगी ये जम्मू से गढ़वाल आए। मेवर नेगी ये नागवंशीय मेवाड़ से आए। जागी नेगी ये भी नागवंशीय कश्मीर से आए। मुंशी नेगी ये नागवंशीय है पंजाब से आए। मलनास नेगी ये नागवंशीय है जम्मू से आए। नेगी तब दरबार का एक पद होता था। डॉक्टर चारण लिखते हैं कि नेगी प्राचीन सम्राट परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में थे और उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था और उनकी आजीविका से विभिन्न प्रबंधों के राजस्व का कुछ अंश नेगी चारी के रूप में उन्हें मिलता था। डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में नेगियों को लेकर लिखते हैं कि राज्य की ओर से नेगियों को राजस्व का कुछ भाग मिलता था। इसी तरह विश्व उत्तराखंड के राजाओं के शासन में एक पद होता था। कुमाऊं केसरी बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि राजा सोमचंद ने जब कुमाऊं में राज स्थापित किया तो सेना व छोटे कर्मचारियों के ऊपर जो अफसर होता था वह विशिष्ट अथवा विष्ट कहलाता था, यानी विश्व राजाओं के अफसर थे। बाद में यह एक जाति सरनेम बन गया। इसी तरह भंडारी अन्न का भंडार रखने वाले या खजांची को कहा जाता था। यह पद कालांतर में जातियों के नाम से प्रचलित हो गए। इस तरह के अन्य जातियों के भी नाम पड़े और सभी का उदाहरण उत्तराखंड के क्षत्रियों की वीरगाथा को पूरा संसार जानता है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों के किस्से भी सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में देश को विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के वीरों ने दिलाया था। वीर नायक दरवान सिंह नेगी को 1914 और राइफल मैन गवर सिंह नेगी को 1915 में यह पदक मिला था। इसी तरह गढ़वाल राइफल्स के जसवंत सिंह रावत ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने जिस चौकी पर आखिरी लड़ाई लड़ी थी आज उसका नाम जसवंत सिंह गढ़ है। वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। इनसे पहले अफगान युद्ध के दौरान शौर्य के लिए 1879 में ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और सर्वोच्च सैनिक पद से सम्मानित वीर सूबेदार बलभद्र सिंह भी शामिल हैं। ये जितने वीर हैं उतने ही दयावान भी। इसका उदाहरण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। गढ़वाल राइफल्स के इस वीर के नेतृत्व में जवानों ने पेशावर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तिब्बती हमलावरों को भी उत्तराखंड के वीर क्षत्रिय मार भगाते थे। हैवान जैसे क्रूर और धर्मांध मुस्लिम आक्रांता तैमूर लंग को भी हरिद्वार के पास इन वीरों ने मार भगाया था। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड के जजमानों का इतिहास।